मामला फतेहपुर चौरासी ब्लॉक के ग्राम सभा शेरपुर अच्छी रक्षा के मजरा भोराखेड़ा गांव के रोड का है, जहां पर बरसात में ग्रामीणों को सड़क पर चलते हुए गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कई सालों से खराब पड़ी इस सड़क को लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन किसी ने इस समस्या की ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। राम सिंह, गुलाब सिंह, हरी नाम, कमलेश, रामगोपाल, शिवराज, अमर सिंह, मुन्नीलाल, साहबलाल, रामदास, कप्तान, अमृतलाल, जगदीश, घनश्याम आदि सभी ग्रामवासियों ने संयुक्त रूप से इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाने की मांग करते हुए कहा कि हम लोग शिकायत करते करते थक गए हैं और कीचड़ व गड्ढों में निकलने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर गांव में बना पंचायत भवन भूसे का अड्डा बना हुआ है, और इतना ही नहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि रोड नहीं बनाया गया तो बांगरमऊ विधानसभा से होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या वर्षों से चली आ रही इस गंभीर समस्या को कोई अधिकारी या नेता संज्ञान में लेते हैं, या फिर हमेशा की तरह एक बार फिर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। देखिए बांगरमऊ उन्नाव से जितेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। जिंदगी गुजरी जा रही, दिक्कत है इसमें यहाँ। अच्छा, तो किस तरह से जो बीमार व्यक्ति को ले जाया जाता है यहाँ से? भैया गाड़ी बैल निकाला जाते। अच्छा अच्छा, मोटरसाइकिल जा ही नहीं पाई। अच्छा, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ की। तो चुनाव में आप लोगों का विरोध होगा कि यहाँ पर जब तक रोड नहीं तब तक? आओ जाओ, आओ भैया आओ। अरे भाजपा कहाँ लोग बंदी? अगर तू अपने साथ कहाँ? हाँ, करो। क्या नाम आपका है? करण। ये कौन सा गांव है? यहाँ पर ये जो गंदगी है या क्यों है, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है, क्या दिक्कत है, क्यों यहाँ पर पानी भरा हुआ है? जब रास्ते नहीं सही तो पानी जाई कहाँ? इसके लिए प्रधान से या संबंधित अधिकारियों से आपने बात की या किसी ने, गांव के व्यक्ति ने बात की? सबसे धराई सबसे आगे बढ़ाई। ये कौन सा गांव है? भोलाखेड़ा। यहाँ पर ये दिक्कत जो दिख रही है या कब से है? अरे प्रताप के जमाने में खंजा लगा रहा था, लगे नहीं है दोबारा। क्या नाम आपका? रमेश। ये हमको किसी का नाम मत बताइए, ये बताइए कितने सालों से नहीं लगा? 5 साल हो गए प्रताप के प्रधानी, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, 10 साल श्री कृष्ण प्रधानी का, इसके बाद में कौशल के है, अब प्रताप के जमाने में लगा रहा है। तब से इस पे कुछ कार्य नहीं हुआ? कुछ नहीं, ये हो रहा कि आज हो रहा, कल हो रहा, परसों हो रहा, कम से कम एक साल से 200 वादा इस पे करे। मतलब ये वादा कौन करता है? प्रधान। उसके बाद में कुछ होता नहीं है? कुछ नहीं। दादा आगे बढ़ के आ जाओ, आप भी बताओ। है इसी मोहल्ले में ये स्थिति है या सब जगह ऐसी स्थिति है? नहीं, और सब जगह केवल प्रधान आते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। आगे 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 घूमो, प्रधानशाला हो गया, कोई सुनवाई? हाँ हाँ, हो जाए भाई, बहुत सही लौट कौते नहीं, यहाँ पर कोई वापस लौट के नहीं आता, कौते नहीं है, कैसे सब चीज कहा? अच्छा, तो ये हैंडपम्प टूटा हुआ है इसके? हाँ, जहाँ भी खड़े यहाँ पर ग्रामीण आ जाओ, हो यहाँ। ये बताइए कौन सा गांव है? भोलाखेड़ा। तो भोलाखेड़ा है, ये जो गांव के बाहर की स्थिति है, इस संदर्भ में कहीं किसी अधिकारी को, किसी को अवगत कराया है आपने? अरे अवगत कराया है, जो सांसद है हमारे, वहाँ एप्लीकेशन लगी है, जिला पंचायत सदस्य वहाँ एप्लीकेशन लगी है, लेकिन कोई सुनने वाला हो? सभी
कोई भी सुन नहीं रहा है। नहीं सुना कौन नहीं? सचिवालय ने भी सूचना दी गई है। अच्छा, सचिवालय तक है सूचना? सचिवालय तक सूचना दी गई, लेकिन अभी तक इस पर किसी ने कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। भोला खेड़े के जनता का जरूरत नहीं है देश के लिए। अच्छा, भोला खेड़े की जनता की किसी को जरूरत नहीं है। और ये बताइए कि आने वाला चुनाव बहुत जल्दी उपचुनाव होने वाला है बांगरमऊ क्षेत्र का, तो इसमें आप लोगों का क्या मत है, क्या करने? हम लोग वोट नहीं देंगे भैया। से आएगा उसको मार करके और जूतों का माला पहना कर वापस करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब डाला जाएगा, मतलब क्या जिस पार्टी का कोई भी पार्टी का हो भैया, कोई पार्टी का आ जाए मारा जरूर जाएगा। मतलब जो भी वोट के बारे में आवा तो मारा जरूर जाए। अच्छा, तो वोट नहीं देना चाहेंगे, मतलब वोट का बहिष्कार? हम जब निकल ही नहीं पे भैया तो वोट का देवे डाल नहीं जा पे तो कैसे?